भजनलाल मंत्रिमंडल की लिस्ट में संभावित नाम बाबा बालकनाथ, अनीता भदेल, झावर सिंह खर, डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा, मदन दिलावर, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, संदीप शर्मा, जोगेश्वर गर्ग, श्रीचंद्र कृपलानी, जितेंद्र गोछवाल, सुमित गोदारा, अमृत लाल मीणा, दीप्ति किरण महेश्वरी, जोराराम कुमावत है। संभावित नाम फाइनल सूची के साथ जयपुर सीएम भजनलाल लौट रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली के दौरे पर थे कल, और वहीं भजनलाल मंत्रिमंडल की लिस्ट में जो संभावित नाम है उनमें बाबा बालकनाथ, अनीता भदेल, झावर सिंह खर, डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा, और वहीं मदन दिलावर, पुष्पेंद्र सिंह रणावत, डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, संदीप शर्मा आदि के संभावित नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। फाइनल सूची के साथ सीएम भजनलाल जयपुर लौट रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, देखिए यहाँ पर सीएम भजनलाल शर्मा जो थे वो दिल्ली दौरे पर थे कल, वहीं अब सीएम जो है वापस लौट रहे हैं मंत्रिमंडल की संभावित नामों की सूची के साथ। देखिए बिल्कुल, कल गए थे भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री राजस्थान से जयपुर से दिल्ली पहुंचे थे, और दिल्ली पहुंचने के बाद में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात वहां पर की वार्ता यहाँ पर हो चुकी है। और हमने देखा भी था तमाम जो मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उनके लेकर चर्चा वहाँ पर की गई थी। पहले दौर की वार्ता जब हुई तो वहाँ पर चर्चा की गई, और फिर दूसरे दौर की वार्ता अब यहाँ पर हुई है तो सूची फाइनल हो गई है। लगभग 1.5 दर्जन जो विधायक है उनको मंत्रिमंडल में शामिल यहाँ पर किया जा रहा है, तो ऐसे में पूरी कवायद जो यहाँ पर हो चुकी है। भजनलाल शर्मा फाइनल सूची के साथ में यहाँ पर जयपुर लौट रहे हैं, और जयपुर लौटकर ये माना जा सकता है कि जब भी राजभवन से समय यहाँ पर मिलेगा तब इस सूची को यहाँ पर फाइनल कर दिया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह जो है वो फिर राजभवन वहाँ पर आयोजित कराया जाएगा। देखिए अनिल, 1.5 दर्जन मंत्रियों के नामों पर यहाँ मोहर लगने की संभावना है, कब तक इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा? देखिए प्रक्रिया जो है वो अगर नामों को फाइनल करने की देखी जाए तो उसमें युवा चेहरे कहीं ना कहीं जो है वो केंद्रीय आला नेतृत्व जो है वो यहाँ पर शामिल करने जा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व की पसंद है कि इस बार कैबिनेट यहाँ पर रहे भजनलाल शर्मा की, भजनलाल शर्मा भी युवा चेहरे हैं और उच्चत युवा चेहरे जो है यहाँ पर शामिल होंगे, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक युवा टीम जो है वो राजस्थान को मिलने यहाँ पर जा रही है, और उसी कवायद को लेकर पूरा मंथन यहाँ पर किया गया। और अब जाकर कहीं ना कहीं जो सूची है वो लगभग यहाँ पर फाइनल हो चुकी है, और 1.5 दर्जन जो नाम इसमें यहाँ पर शामिल माने जा रहे हैं, दीप्ति महेश्वरी का नाम हो, जोराराम कुमावत का यहाँ पर नाम देखा जाए, या फिर अगर झावर सिंह खर्रा शेखावाटी चाहते हैं उनका नाम यहाँ पर देखा जाए, मेवाड़ से, मारवाड़ से तमाम जो चेहरे अगर देखे जाए उनको चर्चा करने के बाद में सूची यहाँ पर फाइनल हुई है। और पहले ये माना जा रहा था कि शपथ ग्रहण समारोह जो होगा विधानसभा का उससे पहले यहाँ पर मंत्रिमंडल बनाया जा सकता है, लेकिन अब यहाँ पर जो है शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। लेकिन हम देखेंगे कि राजभवन से जब भी समय मिलेगा, क्योंकि राज्यपाल कलराज मिश्र राजस्थान में है लेकिन दूसरे जिलों में प्रवास पर वहां पर गए हुए, ऐसे में माना जा सकता है कि 24 और 25 दिसंबर के आसपास मंत्रिमंडल का जो विस्तार है यहाँ पर हो जाएगा। जी अनिल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।